हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अभिषेक, बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक होगा कि हाउ टू अट्रैक्ट मोर पेशेंट्स इन योर डेंटल क्लिनिक, एंड इसके काफी सारे तरीके हैं जो मैं मानता हूं कि मेरे लिए यूजफुल हुए और आप लोगों के लिए भी शायद से यूजफुल होंगे। और मौसम अभी बहुत अच्छा हो रहा है, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन। तो अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इसलिए मैं डेली वीडियोज थोड़े आप लोगों के लिए डाल रहा हूं ताकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डेंटल क्लिनिक खोलने के बाद आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें करनी है। सिर्फ क्लिनिक में पेशेंट के लिए वेट करना उतना यूजफुल या फिर उतना फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि पहले में आपको थोड़ा सा आपके क्लिनिक का प्रचार करना होता है, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर ओपनिंग योर क्लिनिक, ऑन द डे ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लिनिक कुछ कुछ पैम्फलेट्स आपको प्रिंट करवाने होते हैं। पैम्फलेट्स जो जिस टाइप का होना चाहिए, पैम्फलेट्स मतलब इट शुड बी लाइक कलरफुल पैम्फलेट, इट शुड बी लाइक अ मैगजीन पेपर। तो थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है ये, उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आप जब छपवा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 to 40,000 पैम्फलेट्स आप छपवाएं, उन पैम्फलेट्स को आप न्यूज़पेपर में डाल के बंटवाएं। तो ये एक और तरीका हो गया एडवर्टाइजमेंट का। दूसरा तरीका एडवर्टाइजमेंट का, यू कैन पुट योर एडवर्टाइजमेंट इन गूगल एड्स। आपको क्लिनिक का लोकेशन मैप्स में डाल के आप उसको गूगल एड्स में दे सकते हैं। बहुत ही मिनिमम पैसा लगता है, आई थिंक 2,000 to 3,000 rupees लगता है, और इनिशियली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है गूगल एड्स का। तो गूगल एड्स हो गया, एंड देन सबसे पहले यू शुड इनवाइट द कॉलोनी पीपल, योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऑल, जितने ज्यादा लोगों को आप अपने क्लिनिक में इनवाइट कर सकते हो। पहले दिन ओपनिंग के दिन उस दिन आप थोड़े से मिठाई के पैकेट्स करके सबको दे सकते हो। तो पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आपने क्लिनिक का, इट शुड बी ग्रैंड ओपनिंग, एवरीबॉडी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट दैट ओके यू हैव ओपन अ क्लिनिक ओवर देयर। एंड सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग एक ग्रैंड तरीके से क्लिनिक का ओपनिंग करना है। तो दूसरा चीज़ जो, ये तो हो गया एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट। दूसरी चीज़ ये हो गई, जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेशेंट चाहे कोई भी आए, वेदर रिच आए या पुअर पेशेंट आए या मिडिल क्लास फैमिली का है, हाउएवर इज द पेशेंट इज रूड टू यू, आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। अगर आप अपना टेम्पर लूज कर दिए तो पेशेंट कैन बी इरिटेटेड इन मेनी वेज। पेशेंट का कुछ झगड़ा हुआ होता है या फिर पेशेंट कुछ प्रॉब्लम में है या फिर पेन में है, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर पेशेंट हैज कम टू यू इन पेन एंड ही और शी नीड्स टू बी ट्रीटेड। तो कभी कभी ये मतलब अगर आप ठीक से बिहेव करेंगे, अगर आप नॉर्मल रहेंगे पेशेंट के साथ, तो पेशेंट भी थोड़ी देर बाद कूल डाउन हो जाता है। ये मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, नोटिस किया मैंने। आपकी गलती नहीं भी होती है, लेकिन पेशेंट्स आके थोड़ा बहुत चिल्लाते हैं, तो अगर आपका थोड़ा सा आप थोड़ा गुस्सा हो गए, आपको पेशेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको पेशेंट के दांत के बारे में सोचना चाहिए कि मैं कैसे उसे ठीक करूंगा, और उसका आउटसाइड अपीयरेंस आप बिल्कुल मत देखिए। आप पेशेंट को ट्रीटमेंट बताइए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। अगर आप इमोशनल हो गए पेशेंट के साथ, सो यू वोंट बी एबल टू ट्रीटमेंट, कभी आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, आप हमेशा डार्क टीथ को लेकर करें और ज़्यादा इमोशनल नहीं है। अगर आप ज़्यादा इमोशनल होंगे, एक बच्चा रोएगा तो आप दूध एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर ओल्ड पेशेंट आपके पास आएगा और पेशेंट थोड़ा चिल्लाता है तो आप डर जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो नेवर बी इमोशनल विद द पेशेंट, ऑलवेज डू द करेक्ट थिंग फॉर द पेशेंट ऑलवेज। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी चीज़ है, जो आपका क्लिनिक का बोर्ड है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका क्लिनिक का जो बोर्ड है, आई प्रीफर अगर आपका क्लिनिक मेन रोड पे है तो एक अच्छा अट्रैक्टिव एलईडी बोर्ड बनाइए। आजकल एलईडी का जमाना है, अगर एलईडी बोर्ड में नहीं आपका जस्ता उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते आप, तो नॉर्मल एक बोर्ड करवाइए। और बोर्ड जब बनवाएंगे ना, उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें ना लिखिए, जैसे कि सिर्फ लिखिए आपका क्लिनिक का नाम, और अगर आप जिस स्टेट के हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में भी नाम होना चाहिए, एक बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे बोर्ड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उड़िया में भी लिखा हुआ है, तो वो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। मेन आपका वहाँ पे लोगों को ये पता लगना चाहिए यहाँ पे क्लिनिक है। ऐसा नहीं आपने अपना लिख दिया, आपने BDS कहाँ से किया है, आपने MDS कहाँ से किया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बोर्ड पे मेनली तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो रहना चाहिए। तो क्लिनिक का नाम, और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि क्लिनिक का एड्रेस भी वहाँ पे बोर्ड में लिखते हैं। क्या ज़रूरत है भाई क्लिनिक का एड्रेस, क्लिनिक तो ऑलरेडी उसी एरिया में है जहाँ पे आप रह रहे हो। तो मेन थिंग ये है कि आपको जो है क्लिनिक का नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपका डेजिग्नेशन, ये तीन चीज़ देना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड और भी आगे ऐसे डेली वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ आस्क मी इनसाइड डेंटल ब्लॉग्स। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे।